हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, एनबीए ने जो है एक बार फिर से अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वैकेंसीज का। ठीक है, एनबीए आप लोगों को याद आ रहा होगा, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी एनबीए में, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। तो एनबीए ने, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन किन वैकेंसीज को लेकर हुआ है ये पूरा डिस्कस करते हैं, और कितनी वैकेंसीज है, क्या प्रोसीजर है, कैसे एग्जाम होने वाला है, कैसे स्किल टेस्ट होने वाला है, एवरीथिंग डिस्कस की जाएगी, राइट। तो नोटिफिकेशन है डेट 1/6/2021 का, और आपका जो इसका स्टार्ट होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/7/2021 से स्टार्ट होंगे, और आपका चलेंगे लास्ट 14/8/2021 तक। यानी कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन और 14 अगस्त तक चलेंगे, एक महीने का विंडो रहेगा। और 20/9 को होगा इसका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा आपका 20 सितंबर 2021 को, ठीक है। तो और इसकी जो डेट रहेगी, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी आपको 14/8/2021 तक होनी चाहिए, चाहे एज के मामले में हो, चाहे क्वालिफिकेशन के मामले में हो, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। एनबी क्या है? सबसे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज इज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो बिल्कुल मेडिकल सेक्टर में काम करती है, ठीक है। चलिए सीधे सीधे अगर पोस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले है सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 7 की है, पे मैट्रिक्स जो है इसका लेवल 7 है, और टोटल पोस्ट है इसमें 8। बाइफरकेशन इसका बाद में देखते हैं। एज होनी चाहिए 27 ईयर से कम, लास्ट डेट को 14/8/2021 को, ठीक है। और क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, डिग्री होनी चाहिए, वेदर इट बी बीकॉम, बीएससी और बीए, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा बोला कि टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय एनबी, बोला डिग्री होनी चाहिए, और साथ में अगर एनबी कोई एग्जाम कराता है बाद में तो वो आपको क्वालिफाई करना है, सेलेक्ट होने के बाद अगर कोई एग्जामिनेशन करा देता है तो वो आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये है इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और दूसरा है जूनियर असिस्टेंट, तो ये लेवल 2 की वैकेंसी है, यहाँ पर जो है टोटल 30 पोस्ट है, एज बिलो 27 ईयर चाहिए लास्ट डेट को, और इसमें आपको पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 12th क्लास पास चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर्स में, सच एज बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज विंडोज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लैन आर्किटेक्चर, राइट। एंड थर्ड वन इज वही सेम चीज की कोई एग्जाम अगर एनबी कराता है इन फ्यूचर तो वो आपको क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। आगे बढ़ते हैं, जूनियर अकाउंटेंट तीसरी पोस्ट है, लेवल 4 की वैकेंसी है, 4 वैकेंसीज हैं, और एज इसमें बिलो 27 ईयर, सेम एज की कंडीशन तीनों में सेम है, 14/8/2021 को 27 ईयर्स होनी चाहिए, 27 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री विद मैथ्स, मैथ्स हो या तो आपके पास ग्रेजुएशन में, या स्टैटिक्स हो, या फिर अ डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट। एंड सेकंड वन इज सेम टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनबी। एक दे रखा डिजायरेबल में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, देखिए 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये डिजायरेबल है। यानी कि अगर 2 कैंडिडेट ऐसे सेलेक्ट हो जाते हैं जिनमें से एक के पास ये एक्सपीरियंस है, एक के पास नहीं है, तो जो एक्सपीरियंस वाला है उसको सेलेक्ट कर लेंगे वो, ठीक है। यही है बस, बाकी अप्लाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन देखते हैं इसका। तो तीनों पोस्ट का बाइफरकेशन देख लीजिए, सीनियर असिस्टेंट का जो है लेवल 7 की वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 8, और अनरिजर्व की इसमें 3 है, ओबीसी की 4 है, बाकी एक वैकेंसी एसटी की है, यानी कि अनरिजर्व की 3 ही वैकेंसीज है यहाँ पर। दूसरा है जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज है 30, अनरिजर्व की 5 है इसमें से, ओबीसी की 16 है, ठीक है, एससी की 6 और एसटी की 3। देखिए ओबीसी की बहुत ज्यादा वैकेंसीज है जूनियर असिस्टेंट में, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज रही होंगी शायद ओबीसी वाली जो पिछली बार फुलफिल नहीं हो पाई, इस वजह से जो है इसमें ऐड की गई है, तो काफी वैकेंसीज हैं। जनरल की खाली 5 है, जूनियर अकाउंटेंट की 4 वैकेंसीज हैं लेवल 4 की है, और 2 है अनरिजर्व की, 1 है एससी की, 1 है ओबीसी की, एसटी की नील सीट है यहाँ पर भी, सीनियर असिस्टेंट में भी एससी की एसटी की नील सीट है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल अगर मैं अनरिजर्व की बात करूँ यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट है इस तरीके से, और ओबीसी की बात करूँ तो 21 पोस्ट है इस तरीके से, ठीक है। और जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 42, टोटल वैकेंसीज 42 है गाइज यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए एज लिमिट जो है मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो है मिनिमम एज लिमिट है 18 और मैक्सिमम जाएगी 27, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, 18 से 27 होनी चाहिए आप लास्ट डेट को 14/8/2021 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देर विल बी 2 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 होगा आपका जो है
स्टेज वन सेल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और 3 घंटे का टाइम होगा 180 मिनट्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25% की और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 50% होने चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग। मेरिट तो देखिए हाई जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन जो है मिनिमम यानी कि आप कंसिडर किए जाएं तो कम से कम 50% चाहिए और एस सी एस टी वालों को 40% लाना है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा रहेगा, स्टेज वन पोस्ट देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट का 10+2 लेवल का पेपर रहेगा, सीनियर असिस्टेंट का ग्रेजुएट लेवल का रहेगा और जूनियर अकाउंटेंट का भी ग्रेजुएट लेवल का पेपर रहेगा यहाँ पर। और स्टेज टू की बात करते हैं, स्टेज टू एग्जाम क्या होगा, ये बाद में होगा इसके रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, क्या दे रखा था, स्टेज टू एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट सेल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड द टाइम ड्यूरेशन सेल बी 75 मिनट्स। कह रहा है 100 मार्क्स का होगा और 75 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। फिर कह रहा है कैंडिडेट्स सेल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स। 500 वर्ड का एक इंग्लिश में आपको पैरा दिया जाएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा, कंप्यूटर में लिखना होगा उसको सेम फॉर्मेट में विदिन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर लिखना होगा फॉर एडजजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन द कंप्यूटर। 15 मिनट के अंदर आपको एज इट इज जैसा वो पैटर्न दिया रहेगा उसी पैटर्न में उस पैरा को लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक जो है कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर वो 15 मिनट्स बोल रहा है और यहाँ पर 75 मिनट्स कह रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिया हुआ है, खैर वो आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी इनके फर्दर नोटिफिकेशन से। ठीक है, यानी कि टाइपिंग है स्टेज टू में, क्लियर है ये बात की टाइपिंग है। और क्या कह रहा है, 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट एवरी वैकेंसी इन ईच कैटेगरी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी सिंगल स्टेज वन टेस्ट। ठीक है, यानी कि स्टेज टू में आपको कॉल किया जाएगा, वही पिछली बार की तरह 5 गुना बच्चे लिए जाएंगे, 5 टाइम्स, राइट। द कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट विल इंक्लूड डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, राइट। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, द मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड इन स्टेज टू फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन सेल बी 40% फॉर सेम 40% स्टेज टू में एस सी एस टी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स और 50% अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, राइट। तो ये है, और कह रहा है शेड्यूल जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, सॉरी कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट का, वो बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, और पैटर्न की अगर बात करें, सिलेबस जो है वो यही है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सीबीटी की बात कर रहा हूँ स्टेज वन की, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, तो यही पैटर्न रहेगा सिंपली। बस जो आपका जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए 10+2 वाला पैटर्न हो जाएगा एग्जाम का, यानी क्वेश्चन के लेवल इजी हो जाएंगे, और जो आपके ग्रेजुएट वाली पोस्ट हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा या मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, राइट। और बस यही है, और लिंक दिया हुआ उन्होंने जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें लिंक दे रखा है कि आप देख सकते हैं वहां पर जाकर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा करके। ठीक है, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो प्रिपेयर होगी सीबीटी यानी कि स्टेज वन के बेसिस पर और स्किल टेस्ट स्टेज टू के बेसिस पर, राइट। आगे बढ़ते हैं, फी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा झटका लग सकता है, पिछली बार की तरह ही अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1500 प्लस 18% जीएसटी, 18% अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसका तो वही आपका यानी कि ये 1700-1800 के आसपास फीस पहुंच जाएगी टोटल। ठीक है, और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वीमेन के लिए नील है, राइट। तो गाइज यही था नोटिफिकेशन, कोई डाउट तो प्लीज वो कमेंट कर सकते हैं, हालांकि वैकेंसीज बहुत कम है, वो तो बिल्कुल बात है वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन हाँ अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो गाइज प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कोई डाउट हो प्लीज तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए, उसका जो है रिप्लाई एट द अर्लीस्ट देने की कोशिश की जाएगी। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।